मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वो होमवर्क ए बाई बी प्लस सी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करना है, चलिए ठीक है। प्रोपोर्शन के अंदर थे हम लोग और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क था चलो मैंने आपको के मेथड भी बताई थी, आपको याद हो तो वो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन, ए बाय बी प्लस सी इक्वल टू बी बाय सी प्लस ए इक्वल टू सी बाय ए प्लस बी। अब आपको बोला था कि इस रेशियो की क्या वैल्यू होगी, ये आपको पूछा करना क्या है। आप बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, योर ऑडियो इज वॉइस इज नॉट कमिंग, ओके अभी आवाज आ रही है, क्लियर है वॉइस, बताओ अभी वॉइस क्लियर है, ओके। ए बाय बी प्लस सी बी बाय सी प्लस ए इक्वल टू सी बाय ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बोला था कि जब दो टर्म से ज्यादा इक्वल हो क्वांटिटी तो किसी कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी के इक्वल लेट कर लेते हैं उसको, के इक्वल, तो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा बी प्लस सी इक्वल टू ए बाय के, ये जो बी प्लस सी है ये आ जाएगा इधर और के चला जाएगा इसके नीचे, तो ए बाय के हो जाएगा। ठीक वैसे ही सी प्लस ए वो हो जाएगा बी बाय के एंड ए प्लस बी वो हो जाएगा सी बाय के। इन सभी की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या ढूंढना है, के ढूंढना है, के कितना होगा, वही रेशियो है, अब के को ढूंढते हैं। देखिए क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देते हैं, इन सभी का ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ए बाय के प्लस बी बाय के प्लस सी बाय के। अब ये कितना हुआ, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा के, न्यूमरेटर ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, ये के उधर शिफ्ट हो गया के और टू इधर आ गया इक्वल टू वन बाय टू, तो इसका जो रेशियो है वो मिल जाएगा वन बाय टू। बोलो समझ गए सब लोग, वन बाय टू समझ गए, ओके। अगर सब लोग समझ गए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको कुछ और भी पूछा था वो आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं ये बताओ, सारे सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत गुड। स्क्रीनशॉट डन, इसका स्क्रीनशॉट डन हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट ये है x बाय ए सर ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एस। अगर इस तरह का आपके पास कोई रेशियो है, दो या उससे ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो ए प्लस सी प्लस बी बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप पूछोगे ये क्या बता दिया, ठीक है तो इसको समझते हैं, चलिए ये कहां से आया, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ए प्लस टू सी प्लस थ्री ई बाय b प्लस टू डी प्लस थ्री एफ, या फिर एक्स ए वाई सी प्लस जेड ई और एक्स बी
वाई डी प्लस जेड एफ, ऐसा भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें इसके इक्वल हो सकती है, कैसे वो लिखते हैं। कैसे होगा बोले, देखिए a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, ये हम लोग लेट कर लेते हैं कि k होगा, ये हमने लेट कर दिया कि ये k। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि a कितना होगा तो आप बोलोगे बी के, फिर आपसे पूछता हूं c कितना होगा आप बोलोगे डी के, फिर आपसे पूछता हूं e कितना होगा एफ के, ये हुआ। अब इसके अंदर मैं ये सारी वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे बताइएगा क्या मिलेगा, a प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ, ए की जगह मैंने लिखा बी के, सी की जगह लिखा डी के, और ई की जगह लिखा एफ के, और ये बन गया बी प्लस डी प्लस एफ। न्यूमरेटर में से ए कॉमन, तो ये मिलेगा आपको बी प्लस डी प्लस एफ और बी प्लस डी प्लस एफ, ये कैंसिल हो गया, आपको के मिला, मतलब इसकी वैल्यू के मिल गई, और इसकी वैल्यू भी तो के ही है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी इसके इक्वल हो जाएगी। समझ गए, ये पूरी की पूरी टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। अब समझे दूसरा, ये तो था मैंने ये बताया कि इन केस a बाय डी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ है, तो आप ये न्यूमरेटर सबको प्लस कर सकते हो, अपॉन में डिनोमिनेटर को प्लस कर सकते हो, ये भी इसके इक्वली रेशियो होगा। दूसरा मैंने ये बताया कि ये जो रेशियो है इसको मैं एक सेम स्केलर क्वांटिटी से दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इसको अलग अलग इन दोनों को सेम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, और फिर ये वाली चीज लगाऊं कि सारे न्यूमरेटर प्लस करो सारे डिनोमिनेटर प्लस करो, तो भी ये इसके इक्वल ही होगा। अब वो कैसे मिलेगा उसको समझे, मैंने लिखा a प्लस 2c प्लस 3e अपॉन b प्लस 2d प्लस 3f। अब a की जगह क्या लिखना है मुझे bk, ये मैंने लिखा bk प्लस 2, c की जगह क्या लिखना है dk प्लस 3, e की जगह क्या लिखना है fk अपॉन क्या है b प्लस 2d प्लस 3f। ऊपर में से आपने k कॉमन निकाला, ये हो गया k, क्या बचेगा b प्लस 2d प्लस 3f अपॉन b प्लस 2d प्लस 3f, इसने इसको कैंसिल किया तो क्या मिला k, और वही तो वैल्यू इसकी है, इसका मतलब ये इसके भी इक्वल है। ठीक वैसे ही इसको भी आप प्रूव कर सकते हो कि xa प्लस yc प्लस z e upon b x b plus y b plus sorry y d plus और z f, ये कैसे इसके इक्वल होगा। अब a की जगह मैं फिर से वही लिखता हूं b के, ये हो गया x b k, c की जगह लिखता हूं d k, तो ये हो गया y d k, और e की जगह लिखता हूं f k, तो z f k अपॉन क्या आ गया x b प्लस y d प्लस z f। ऊपर में से आपने k कॉमन निकाला, ये बना x b प्लस y d प्लस z f अपॉन b सॉरी x b प्लस y d प्लस z f, ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला k। इसका मतलब ये सारी ये भी के है ये भी के है ये भी के है और ये सब भी के है, तो ये सभी आपस में इक्वल हो गए। क्या ये बात समझ में आई आप सब लोगों को, आप में से किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्क्रीनशॉट डन।
हाँ नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये समझ आया है तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कुछ ऐसा बोला भी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला कि सर ये बताइए a बाय बी प्लस सी इक्वल टू बी बाय सी प्लस ए इक्वल टू सी बाय ए प्लस बी कितना। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, सारे न्यूमरेटर को एक साथ ऐड कर देता हूँ, सारे डिनोमिनेटर को एक साथ ऐड कर देता हूँ, फिर जो वैल्यू आएगी मैं चेक करूंगा क्या बन रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। अब ये बन गया a प्लस बी प्लस सी और इधर हो गया टू टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये इससे कैंसिल हुआ तो 1/2 रेशियो हो गया। और अभी हमने इससे पहले इसको प्रूव किया था कि इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। क्या आप समझ गए, आप लोग समझ गए ना? ओके चलो, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, x प्लस वाई by 2 equal to y plus z by 3 equal to z plus x by 4 और x y z का रेशियो पूछा था। आप में से किस किसने सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया है तो चैट बॉक्स में उसका रेशियो बताओ। आप में से किस किसने सॉल्व किया उसको, वेरी गुड धैर्य। चलो अब मैं बताता हूं आप में से किस किस का राइट है किस किस का रॉन्ग है। ये जो सबसे पहले धैर्य ने बताया बिल्कुल करेक्ट है, और ये राही राही आपको चेक करना पड़ेगा। आरव आपका भी आंसर करेक्ट है, प्रेजा कृष आपका आंसर करेक्ट नहीं है, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। नहीं करेक्ट है, दूसरी वाली का वो करेक्ट है। और ये कौन है, चंपा ने भी, अर्शिल आपका भी आंसर करेक्ट है। अर्शिल शुक्ला है भी, आपको चेक करना पड़ेगा। राही आपका आंसर करेक्ट नहीं है। और किसी ने सॉल्व नहीं किया, बस इतने लोगों ने, बाकी लोगों ने क्या किया, चौहान मंथन मैंने कोई होमवर्क अभी तक नहीं भेजा। होमवर्क भेजूंगा मैं आपको अभी नहीं, बस ध्यान रखना टाइम पे हो जाए। हैदराबाद सिंह बोल रहा है आपने आज से स्टार्ट किया है चौहान मंथन, ठीक है ये इसका भी सही है। हथियार सिंह वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है। ओके चलिए, क्या किसी को सॉल्व करवाने की जरूरत है, आप में से ऐसे लोग हैं? ओके एक्सप्लेन, और किसी ने बोला है कि सर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू वाई प्लस जेड बाय थ्री इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाय फोर। आपसे पूछा है एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज व्हाट, ये कितना होगा ये आपसे पूछा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी के मेथड यूज लेते हैं। के मेथड का मतलब दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल हो तो वो किसी स्केलर क्वांटिटी के के इक्वल होंगे, तो ये इस के इक्वल है। तो यहां से आपको एक चीज क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई मिल जाएगा टू टाइम्स ऑफ k, x प्लस वाई टू टाइम्स ऑफ k एंड y प्लस जेड थ्री टाइम्स ऑफ k एंड जेड प्लस एक्स फोर टाइम्स ऑफ k। इन सभी को प्लस करो
टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9k, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9/2k। अब y प्लस जेड की वैल्यू है अपने पास ये रही, तो इस y प्लस जेड की जगह ये पुट कर दू तो क्या मिलेगा x प्लस 3k इक्वल टू 9/2k, देन x इक्वल टू 9/2k माइनस 3k, कितना हुआ 9k माइनस 6k/2, ये आ जाएगा 3/2k। 3/2 क्या आया x की वैल्यू। अब y के लिए देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है, ये रही एक्स वाई जेड की वैल्यू 9/2k। अब x प्लस जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है 4k, तो लिखा y प्लस 4k इक्वल टू 9/2k, देन y इक्वल टू 9/2k माइनस 4k, ये हो जाएगा 9k माइनस 8k/2, इट मींस k/2, y की वैल्यू मिल गई k/2। z की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9/2k, अब इसके अंदर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2k, वो यहाँ पे पुट कर दी 2k प्लस जेड इक्वल टू 9/2k, देन जेड इक्वल टू 9/2k माइनस 2k, ये हो जाएगा 9k माइनस 4k/2, कितना हो जाएगा 5/2k। तो आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, रेशियो देखिए x की जगह पुट करता हूं मैं, x की जगह क्या पुट करूंगा, x की जगह आ गया 3/2k, ये 3/2k इस टू y, y की जगह पुट करूंगा k/2 इस टू z, z की जगह पुट करूंगा 5/2k। अब देखिए रेशियो में तो कॉमन टर्म कैंसिल, 2 2 2 कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, 3:1:5 ये रेशियो आ गया। बहुत सारे बच्चों ने यही रेशियो आंसर बताया, आई हैव यूज डिफरेंट मेथड, कोई बात नहीं, वेरी गुड चलेगा। आपने दूसरी मेथड यूज की है वो भी चलेगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन था आपका जो मैंने कल दिया था, आपने से किसी से नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो। हाँ वन मोर, चलो बताओ कौन सा है वन मोर, तो कौन सा था, चलो मैं बता देता हूं, क्या ये वाला है 2a^4b² प्लस 3a² c² डेरिया ये वाला, ओके, और डेरिया ने आंसर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार मेघा कुमारी, के कहां से मिला, नहीं चलो इसका भी करके देखते हैं, शुक्ला है भी नहीं बेटा मिस्टेक है, डेरिया ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, अगर डेरिया आपने खुद सॉल्व किया है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार। ये वाला क्वेश्चन था कि a by b equal to c by d equal to e by f and find the value of 2a^4b² plus 3a^2c² minus 5d^4f form 2b6 plus 3b²d² minus 5 f to the power 5 is what in terms of a and b।
इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी पूछा है आपसे। अब देखो क्या होगा, ये सभी वैल्यू को मैं इक्वल टू के लिख लेता हूं, तो यहां से आपको ए मिल जाएगा, बी के, सी मिल जाएगा, डी के एंड ई मिल जाएगा एफ के। ठीक है, अब मुझे सभी वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू है उन सभी को ए और बी में ही कन्वर्ट करना है। ए और बी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे ये बी है, यहां भी बी है और ए और सी है, सी को फिर डी के में कन्वर्ट किया जा सकता है, ई को एफ में। ओके ठीक है, देखो क्या बनेगा, टू टाइम्स ए की जगह मैंने लिखा बी के, तो ये बी की पावर फोर के की पावर फोर हो गया और बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लिखता हूं मैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह लिखता हूं डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस फाइव, ई स्क्वायर की जगह ई की जगह लिखता हूं एफ, एफ टू दी पावर फोर के टू दी पावर फोर और ये एफ अपॉन टू बी रेस टू सिक्स प्लस थ्री बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फाइव एफ रेस टू फाइव। आप में से किसी ने एक आंसर सही दिया था, वेरी गुड, मैं भी नाम बताता हूं कौन था वो। ये हो जाएगा के टू दी पावर फोर कॉमन, ये बना टू बी सिक्स प्लस थ्री बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फाइव एफ टू दी पावर फाइव। डिनोमिनेटर बन जाएगा टू बी सिक्स प्लस थ्री बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फाइव एफ टू दी पावर फाइव, ये कैंसिल हो गया, आपको के टू दी पावर फोर मिलेगा। आप में से किसी ने मुझे के टू दी पावर फोर आंसर बताया था, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, अब इसमें पूछा था इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, अगर ऐसा हो कि कल मैंने क्वेश्चन लिखते हुए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी नहीं लिखा है तो जिनका भी आंसर के फोर है वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर ऐसा मैंने लिखा है तो आपको इसको इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखना था। तो देखिए ए इक्वल टू बी के, जैसे ए बाय बी इक्वल टू ए है तो के टू दी पावर फोर कितना होगा, ए बाय बी टू दी पावर फोर, मतलब ए टू दी पावर फोर और बी टू दी पावर फोर, ये आंसर। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ, आपका आंसर करेक्ट है वैष्णवी, इन्होंने शायद आंसर दिया था, आपका भी करेक्ट है प्रेजा कृष, आपका भी आंसर करेक्ट है नवे कृष्णा, आपका भी करेक्ट है कुमार मेघा कुमारी, वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है। स्क्रीनशॉट हो गया डन, हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन के लिए मैंने बोला आपको चार टर्म चाहिए ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, लेकिन अगर आपको बोला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी, इसका मतलब ये है कि ए बाय बी इक्वल टू है बी बाय सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है। जैसे मान लो ये बोला जाए ए बी सी डी ई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपको ऐसे लिखना होता है ए बाय बी फिर बी बाय सी फिर C by D फिर D by D, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है। जैसे प्रोपोर्शन के लिए आपको फोर टर्म चाहिए लेकिन उन्होंने ओनली थ्री टर्म दी है A, B, C, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आप क्या करोगे A by B और B by C दोनों को इक्वल, ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज में लेते हैं इसको, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है इफ इफ ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आपको ये बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इसकी पावर टू ये होगा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ये आपको पूछा है ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा उसको समझिएगा ध्यान से देखिए कोई वेटेज में नहीं है क्या बनेगा देखो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आपको पहले ही बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में तो आप क्या लिखोगे ए बी सी डी ई आई एम कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन तो आप लिखोगे ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू डी बाय ऐसा लिखोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो रेशियो से ज्यादा अगर आपस में इक्वल हो तो वो किसी न किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल होंगे और वो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग के बोलते हैं वी आ गया इक्वल टू के। अब यहां से आपको पूछा जाए कि ए कितना होगा तो आप बोलोगे बी के बी कितना होगा तो आप बोलोगे सी के सी कितना होगा आप बोलोगे डी के और डी कितना होगा तो आप बोलोगे ई के। अब देखो क्या होगा ए की जगह आप बी के लिखोगे बी की जगह आप सी के लिखोगे सी की जगह डी के लिखोगे डी की जगह ई के लिखोगे तो सिर्फ ए वाले टर्म उसमें नहीं आएंगे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो मुझे ये बताना है आपको कि ये है वो इसके इक्वल होता है ठीक है। तो मैं क्या करता हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ ए बी अब मैं ए की जगह क्या लिख देता हूं बी के तो ये क्या बनेगा देखना ध्यान से ए की जगह मैं लिखा बी के ये बना बी के इंटू बी प्लस बी सी बी की जगह से लिखता हूं सी के तो सी के इंटू सी प्लस सी डी सी की जगह लिखता हूं डी के इंटू डी प्लस डी की जगह ई के इंटू ई होल स्क्वायर। ध्यान में मैंने क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी उसमें मैंने ए की जगह बी के लिखा बी की जगह सी के लिखा सी की जगह डी के और डी की जगह ई के लिखा ये इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ठीक है। अब देखिए सभी में से के स्क्वायर बाहर आएगा के स्क्वायर बाहर अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ये किसकी वैल्यू हुई इसकी वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ ये कुछ ऐसा हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपको मिला के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ये आपको क्लियर। अब ध्यान से देखना मैं इस के स्क्वायर का क्या करता हूं के स्क्वायर का क्या करूंगा के स्क्वायर का क्या कर सकते हैं हम लोग ठीक है। अब सुने ये आपने मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश की तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे मिली कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं ठीक है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं और ये क्या बनेगा ये तो आ गया इसका और इसकी पावर टू है हाँ। अब देखो क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा मैं इसको ऐसा लिखता हूं ये के स्क्वायर ये के स्क्वायर फिर इसको मैं टू की फॉर्म में लिखता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ऐसा लिखा फिर एक साथ और दूसरा प्रोडक्ट दूसरा फैक्टर भी आएगा पावर टू है तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना
मैं मुझे ये चाहिए था, ये मुझे मिल गया है इधर, अब इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इस के स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट हो गया, फिर साथ में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब के स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो बी के क्या है ए, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, ये हुआ सी स्क्वायर, ये हुआ डी स्क्वायर इंटू ये क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो क्या आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ में आ गया, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके। देयर पावर टू कहां से आई क्वेश्चन में दे रखी है, आपको क्वेश्चन के अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पावर टू दे रखी है, ओके लास्ट स्टेप्स, ओके मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं पूरा रिपीट कर देता हूं। हाँ देखिएगा ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई होल स्क्वायर, ये पावर टू गिवन है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब मैंने इस बी की जगह क्या लिखा है, इस सॉरी ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह ये बी के लिख दिया, इस ए की जगह ये बी के लिखा, इस बी की जगह ये सी के लिखा, सी के ये लिखा, इस सी की जगह ये डी के लिखा, और इस डी की जगह मैंने ई के लिखा। अब देखिए यदि आप बी के बी के बाहर निकालोगे तो बी स्क्वायर, इसमें सी के सी के बाहर निकालोगे तो सी स्क्वायर, डी के डी के बाहर निकालोगे तो डी स्क्वायर, और ई के बाहर निकालोगे तो ई स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, देखो क्या बनेगा ये के स्क्वायर बाहर, के स्क्वायर बाहर क्यों, मैंने के बाहर निकाला लेकिन ये पावर टू है ना, इसकी वजह से बाहर आके के स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर अंदर क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये पावर टू है, ये वाली पावर टू है ना, ये वो है। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको इसको ये जो के स्क्वायर था और इसकी पावर टू थी, इसको दो बार लिखा, जैसे एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखते हैं ना, वैसे ये स्क्वायर है, इसको दो फैक्टर लिखे बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को देखते हुए मैंने इस वाले फैक्टर को तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आगे वाले फैक्टर को मैंने के स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये हो गया के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर और के स्क्वायर ई स्क्वायर, और इन सभी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, के स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट, और यही आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था। क्या अब समझ में आया आपको, क्या आप समझ गए आप लोग, चलिए फिर आप स्क्रीनशॉट लिखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट डन, ओके वेरी गुड। अगर आप साथ ही साथ लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेके फिर लिख लोगे, पर लिख पा रहे हो तो अच्छा है, आपको दो बार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन समझना जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखिए, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सॉल्व द इक्वेशन,
इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3x^4 प्लस x² माइनस 2x माइनस 3, 3x^4 माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x^4 प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 5x^4 माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 3। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, देखिए आप में से कोई ट्राई करता नहीं, 2 मिनट है आपके पास, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। वीरानी स्मिथ इसका आंसर दिया है, वीरानी स्मिथ का आंसर करेक्ट है नहीं, फिर से चेक कीजिए आप। दिया सॉल्व हो जाएगा, बट ध्यान से पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व के दिया हो जाएगा सॉल्व, थोड़ा सा ध्यान से प्रोडक्ट है इसलिए। चलिए एक तरीका तो नहीं, ये भी आंसर नहीं है, देहरिया आपका एक आंसर मैच हो गया है, सासलेहा आपका आंसर करेक्ट नहीं है, दवे सोमिल आपका आंसर करेक्ट नहीं है, देहरिया आपका दूसरा आंसर भी करेक्ट है, आपका भी आंसर करेक्ट नहीं है। देखो सुनो, एक तरीका तो क्या, जो आप में से किसी ने मुझे बताया कि सर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं और फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कितनी बड़ी होगी। दूसरा, जो हमने चीजें सीखी है, हमने रेशियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखा तो है, उसका यूज कर लेते हैं, हो सकता है काम आ जाए। हमने रेशियो में क्या क्या सीखा, अल्टरनेंडो सीखा, प्रोपोर्शन के अंदर अल्टरनेंडो सीखा, इन्वर्टेंडो सीखा, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इतनी सारी चीजें सीखी। एक काम करते हैं, इसको हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं सी एंड डी इसके अंदर, उससे क्या मिलेगा। सबसे पहले तो न्यूमरेटर के अंदर तो ऐड हो जाएगी दोनों चीजें, 3x^4 प्लस x² माइनस 2x माइनस 3 प्लस 3x^4 माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में डिफरेंस हो जाएगा 3x^4 प्लस x² माइनस 2x माइनस 3 माइनस 3x^4 प्लस x² माइनस 2x माइनस 3। वैसे ही राइट हैंड साइड में होगा 5x^4 प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3 प्लस 5x^4 माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 3 अपॉन 5x^4 प्लस 2x² माइनस 7x प्लus 3 माइनस 5x^4 प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3। मैंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज किया, ठीक है। हाँ तानिया वेरी गुड, परमार हैदराज सिंह करेक्ट नहीं है, डेरिया वेरी गुड, क्या बात है डेरिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखिए ये क्या हो रहा है, x² माइनस x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, इधर माइनस 2x² 2x² प्लस 7x माइनस 7x प्लस 3 माइनस 3। डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ माइनस 3x^4 3x^4 और इधर 5x^4 और ये कैंसिल। अब इधर न्यूमरेटर क्या बचेगा, 3 और 3 6 टाइम x^4 बचेगा अपॉन इधर x² और x² 2x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू इधर 10 टाइम x^4 और 2x² 2x² 4x² माइनस 7x माइनस 7x माइनस 14x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 हो गया। अब मैं 2 से कैंसिल करता हूं, न्यूमरेटर मैं 6x^4 लिखा है, अब डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकालता हूं, ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3
इक्वल टू 10x^4 अपॉन ये कितना 2 कॉमन निकाला मैंने, 2 कॉमन निकाला तो ये क्या बना x^2 - 7x + 3। अब ये 2 और ये 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये 2 और ये कैंसिल हो गया 5। अब इसके बाद मैं इसको यहां लिखता हूं 3x^4 अपॉन x^2 - 3 इक्वल टू 5x^4 अपॉन 2x^2 - 7x + 3। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कर देंगे x4 और x4 कैंसिल किया। देखिए जब भी सेम चीज बोथ साइड कैंसिल करते हैं तो एक रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए जब भी रूट फाइंड करने हो आप कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी ये सेम चीज को बोथ साइड कैंसिल ना करें, ठीक है। अगर कैंसिल करते हो तो साथ में एक रूट भी लिख देना कि ये इसका रूट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसको यहां पे लिखता हूं 3x^4 × 2x^2 - 7x + 3 इक्वल टू 5x^4 × x^2 - 2x - 3, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया तो 3 × 6 x^6 - 21 x^5 + 9 x^4 = 5x^6 - 10 x^5 - 15 x^4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके बाद सॉल्व करके बताता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसको रख करने जा रहा हूँ। ये रख दिया और ये क्या बना, हाँ 6x^6 - 5x^6, तो x^6 बच गया। इधर है -21 और ये इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, +10 हो जाएगा, -10 + 10 - 21 + 10 - 11x^5। फिर ये है 9x^4 और ये 15 इधर जाएगा, तो 9 + 15 = 24 + 24x^4 = 0। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी में से x^4 कॉमन निकालता हूं, x^4 कॉमन, ये बचा x^2 - 11x + 24 = 0। अब x^4 × इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, x^2 - 8x - 3x + 24 = 0। x^4 × इसमें से x कॉमन ये बनेगा x - 8 - 3 कॉमन तो x - 8 = 0। फिर ये बन जाएगा x^4 - 8 and x - 3 = 0। अब यहां से x 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0, x - 8 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 8, x - 3 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3, तो इसके 3 रूट मिलेंगे x = 0, 3 और 8। बाप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट वाला एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग करके बताओगे।
स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट हो गया, ओके। हाँ, आप में से किसी ने पूछा है मुझे कि लास्ट स्टेप, देखो लास्ट स्टेप x रेस टू 6 कहां से आया, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 6 x रेस टू 6 है और राइट हैंड साइड में 5 x रेस टू 6 है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 5 x रेस टू 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 x रेस टू 6। वैसे ही ये राइट हैंड साइड में माइनस 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 21 प्लस 10 माइनस 11, ठीक वैसे ये 24 हो। अब इसके बाद x रेस टू 4 कॉमन निकाला, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट आप समझ गए होंगे, माइनस 11 को इस तरह से ब्रेक करो कि प्लस माइनस पे माइनस 11 आ जाए और उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट करने पे 24 आ जाए। तो माइनस 11 को मैंने लिखा माइनस 8 और माइनस 3, इन दोनों का सम करो माइनस 11, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 24। तो माइनस 11x को लिखा माइनस 8x माइनस 3x, फिर ये कॉमन निकाला, तीन फैक्टर बन गए, तीनों फैक्टर को 1/1 जीरो किया तो x की 3 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, मैंने इस तरह की कोई आपको क्वेश्चन करवा रखा है फैक्टराइजेशन, अगर आप लोगों ने सारी क्लास में अटेंड की है तो आप लोगों को पता होगा 1 plus x to the power 4 plus x to the power 8 ये क्या है, इसके फैक्टर कैसे करता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो क्या है, वो ये कुछ इस तरह से है, इफ 1 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 8 इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस a x स्क्वायर प्लस d इनटू x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इनटू x स्क्वायर प्लस e x प्लस f then a plus b plus c plus d plus e plus f is what, ऑप्शन आपके पास a है, a composite number, ऑप्शन d है आपके पास a prime number, and ऑप्शन c है आपके पास an odd number, एन ऑप्शन डी है आपके पास एन इरेशनल नंबर। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपके पास 2 मिनट है, मुझे ये सॉल्व करके बताइए। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, 1 प्लस x 4 प्लस x टू दी पावर 8 क्या होता है, मेरा इसमें सॉल्व करो बेटा, ऐसे ही नहीं सॉल्व करके बताना है आपको। अच्छा सब लोग कोई ना कोई ऑप्शन बता रहा है, चार में से एक तो ऑप्शन होना ही है, सही है, चार लोग आपस में डिसाइड करो कौन कौन सा बताएगा, एक ए बोलो एक बी बोलो एक सी बोलो एक डी बोलो, चार में से किसी का तो सही होगा, ऐसे ट्राई मार रहे हो आप लोग। अच्छा आप में से कितने लोगों को ध्यान है 1 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स टू 8 का फैक्टर क्या होता है, मैंने ये करवाया था, आप में से कितने लोगों को ध्यान है, रेज योर हैंड, हैंड रेज करो, मुझे बताओ इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। दो लोग,
तीन लोग, सिर्फ तीन लोगों को ध्यान है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब सिर्फ इतने लोगों को ध्यान है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, जबकि मैंने पूरा का पूरा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर पूरा एक लेक्चर दिया था ये आपको एक्सप्लेन करने का, और ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको 12, 42 में से सिर्फ 12 लोगों को ही पता है कि ये क्या था, बाकी 30 लोगों को नहीं पता। वैसा तो नहीं था उस टाइम 30 लोग थे नहीं, देखो एक ने तो लिख भी दिया हर्षिल, वेरी गुड, एक चैप्टर क्या थी इसने लिख भी दिया। हाँ एक ने आंसर करेक्ट बताया है एतराज सिंह, वेरी गुड एतराज सिंह ने आंसर करेक्ट बताया है, और कोई? चलो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ फिर तो आप कर ही लोगे। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि एक्स इज टू एट को ऐसा लिखो एक्स फोर का होल स्क्वायर, फिर इसको लिखोगे प्लस टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन माइनस एक्स टू दी पावर फोर, ऐसा लिखोगे। अब ये हो गया क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ये एक्स टू दी पावर फोर है इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको फिर से मैं ऐसा बना सकता हूं इसके जैसा, तो ये क्या बनेगा एक्स टू दी पावर फोर को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब कंपेयर करो वैल्यूज को, ये रहा ये वाला फैक्टर एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए की वैल्यू माइनस वन बी की वैल्यू वन, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो सी की वैल्यू वन डी की वैल्यू भी वन, तीसरा ये रहा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस वन बी की वैल्यू माइनस वन एंड डी एफ की वैल्यू वन एफ की वैल्यू वन। अब इन सबका प्लस करना है, प्लस करके देखो वन टू थ्री फोर, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू क्या हुआ टू, और टू क्या है प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर टू, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आज आपको कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर मिले।